हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आप सब फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी जो हमारा सेम टॉपिक चल रहा है पिछले 7 दिनों से, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 5 राइटर्स को नहीं, टोटल 7 राइटर्स को डिस्कस करेंगे, और जो बिलोंग करते हैं हमारे बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी विट्स, यानी यूनिवर्सिटी विट्स से जो राइटर बिलोंग करते हैं, टोटल 7 राइटर्स हैं, उनको यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल पर टच कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, आपको आपके फ़ोन पर आपको तुरंत मिलेंगी। और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता चल सके आपको ये वीडियो कैसे लग रही है। और साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स में, ताकि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी इसका प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो हमारे आज के जो पहले राइटर हैं वो हैं क्रिस्टोफर मार्लो, जिनको हम किट मार्लो के नाम से भी जानते हैं। वो एक इंग्लिश पोएट हैं, पोएट थे ये, प्ले राइट थे और ट्रांसलेटर भी थे ये एलिजाबेथन पीरियड के। इनका जन्म हुआ था 6 फेब 1564 एट कैंटरबरी, इंग्लैंड, यूके के अंदर। और इनकी मृत्यु हुई थी 30 मई 1593 एट डेथफोर्ड, लंदन, यूके के अंदर। और उनकी उस टाइम की एज थी मात्र 29 साल। उनकी जो मृत्यु का जो मुख्य कारण रहा था वो था मधुशाला के अंदर पीकर थोड़ा झगड़ा, इनकी फाइटिंग वगैरह हुई थी। मधुशाला मीन्स जहाँ पे शराब वगैरह पी जाती है जिस जगह पर, वहाँ पर शराब पीने के बाद कुछ लोगों से इनकी फाइट वगैरह हुई थी। उसके बाद लड़ाई बढ़ गई थी, उसके बाद उसी लड़ाई में, फाइटिंग के बाद इनकी इसमें मौत हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे यहाँ जो पहले राइटर जो थे वो है, वो थे यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो। और जो हमारे आज के सेकंड राइटर हैं यूनिवर्सिटी विट्स के, वो हैं रॉबर्ट ग्रीन। जो रॉबर्ट ग्रीन जो एक इंग्लिश ऑथर थे, बिलोंग करते थे वो एलिजाबेथन एज से, जिनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाना जाता है कि इन्होंने विलियम शेक्सपियर की जो राइटिंग है, जो विलियम शेक्सपियर ने जो भी लिखा है उसके ऊपर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अटैक किया है, मीन्स नेगेटिव कमेंट्स किए उन्होंने इसके ऊपर। ठीक है, अगर कोई भी स्टेटमेंट में अगर विलियम शेक्सपियर के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा किसी ने अगर बोला है तो वो रॉबर्ट ग्रीन ने ही बोला है। तो जो इनका जन्म हुआ था रॉबर्ट ग्रीन का 11 जुलाई 1558 एट नॉविक, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। उनकी मृत्यु हुई थी 3 सितंबर 1592 एट लंदन, यूके, एट द यंग एज ऑफ 34 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी लंदन, यूके के अंदर। और जो हमारे आज के जो नेक्स्ट राइटर हैं वो हैं जॉन लिली। ये भी एक इंग्लिश राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे, कॉर्टियर थे और पार्लियामेंटेरियन थे भी थे। ठीक है, इन्हें पार्लियामेंट से भी बिलोंग करते थे ये, दरबारी भी थे ये। ठीक है, रानी के दरबार में ये दरबारी भी थे, राइटर भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे। और इनका जन्म जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ ईयर यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन उसके बारे में श्योरिटी नहीं है, क्योंकि 53 और 54 में जो ये डेट है, ये ईयर है, ये फ्लक्चुएट करता है। तो आपको ये दोनों ही ईयर ये याद कर लेने हैं आपको, अगर एग्जाम में दोनों में से कुछ भी पूछा जाता है तो आप दोनों में से कोई ऑप्शन जो एक होता है उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, 1553 या 1554, किस जगह पे पैदा हुए थे ये, कैंट, यूके के अंदर। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी इनकी नवंबर 1606 एट लंदन, यूके के अंदर इनकी मौत हुई थी। उस टाइम इनकी उम्र थी 53 ईयर्स। ठीक है, और जो हमारे आज के जो नेक्स्ट राइटर हैं वो हैं थॉमस नैश। ये भी एक एलिजाबेथन प्ले राइट थे, पोएट थे और एक सेटरिस्ट थे ये। इनका जन्म हुआ था नवंबर 1567 एट लॉस्टॉफ्ट, यूके के अंदर। और इनकी मृत्यु हुई थी 1601 एट ग्रेट यारमाउथ, यूके, एट द एज ऑफ 34। यानी इनकी मृत्यु हुई थी 1601 में ग्रेट यारमाउथ में, जब उनकी उम्र मात्र 34 ईयर्स थी, और किसी अनसर्टन रीजन की वजह से इनकी मौत हुई थी थॉमस नैश की। जो हमारे आज के जो नेक्स्ट राइटर हैं वो हैं थॉमस लॉन्च। ये एक इंग्लिश राइटर थे जो बिलोंग करते थे एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज से। ठीक है, ये पैदा हुए थे, डेट ऑफ बर्थ तो इनकी मेंशन नहीं है, लेकिन ईयर ऑफ बर्थ जो यहाँ पर दिया गया वो है 1558, और कहाँ पैदा हुए थे, लंदन, यूके के अंदर ही पैदा हुए थे। और इनकी मृत्यु हुई थी सितंबर 1625 लंदन, यूके के अंदर, एट द एज ऑफ 67 की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो मौत का कारण रहा है वो है प्लेग, यानी प्लेग से फाइट करते करते, प्लेग नाम की बीमारी से फाइट करते करते इनकी मौत हो गई थी थॉमस लॉन्च की। और जो हमारे आज के जो नेक्स्ट राइटर है वो हैं थॉमस किड। ठीक है, ये एक इंग्लिश प्ले राइट थे एलिजाबेथन एज के, और इनको जाना जाता है किस चीज़ के लिए, इनकी फेमस प्ले जो उन्होंने लिखा है द स्पेनिश ट्रेजेडी, इनके लिए इनको जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1558 में, ये डेट ऑफ बर्थ इनकी मेंशन नहीं है, ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे दी गई है आपको 1558, आपको यही याद करना है।
लंदन यूके के अंदर इनकी इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी मृत्यु हुई थी 15 अगस्त 1594 लंदन यूके के अंदर एट द एज यंग एज ऑफ 35 ईयर्स। इन मात्र जब 35 साल के थे इनकी मौत हो गई थी 15 अगस्त 1594 को। और इनको जलाया गया था कहाँ पे? सेम उसी डेट पे जलाया गया था इनको, किस जगह पे? सेंट मैरी कोल चर्च इन लंदन के अंदर। और जो हमारे आज के जो लास्ट राइटर हैं वह हैं जॉर्ज पियल। जॉर्ज पियल जो थे वो इंग्लिश ट्रांसलेटर थे, एक पोइट भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे वो एलिजाबेथन एज के। इनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1556 एट लंदन यूके और इनकी मृत्यु हुई थी 9 नवंबर 1596 एट लंदन यूके के अंदर एट द एज ऑफ 40। और इनकी मौत का जो मुख्य कारण था वो था पॉक्स, यानी इनको चेचक हुआ था, इनके कारण चेचक के कारण इनकी मौत हो गई थी। और इनको दफनाया गया था किस जगह पर? सेम उसी डेट पर दफनाया गया था, सेंट जेम्स चर्च क्लर्कनवेल के अंदर। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज का वीडियो। आई होप आपको ये सारे के सारे जो राइटर्स हैं इनकी जो डिटेल्स आपको इजीली समझ में आपको आ गई होंगी। अगर आपको नहीं आई तो आप वीडियो को वो आगे पीछे करके पॉज करके इसको आप इजीली इसको समझ सकते हैं इस टॉपिक को। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।